नमस्ते बच्चों, पिछले वीडियो में हमने गुणनखंडन द्वारा द्विघात समीकरण का हल ढूंढना सीखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नई विधि सीखते हैं, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल ढूंढना, अर्थात अंग्रेजी में सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। चलिए अब हम एक उदाहरण देखते हैं। एक्स प्लस थ्री द होल स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। आपको इस द्विघात समीकरण का हल निकालना है, तो सबसे पहले हम यह गुणनखंडन द्वारा करेंगे। सबसे पहले आप इस स्क्वायर को खोलें तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्राप्त होगा। इसको सरल बनाने पर आपको द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो प्राप्त होता है। अब हम इसका गुणनखंडन करते हैं। हमने सिक्स एक्स को एक्स प्लस फाइव एक्स लिखा है और पहले दो पदों में से एक्स कॉमन लेकर और आखिरी के दो पदों में से फाइव कॉमन लेकर हमने यह समीकरण पाया है, एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब हम एक्स प्लस वन को कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होता है एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। इसका अर्थ यह है कि एक्स माइनस फाइव या माइनस वन हो सकता है। चलिए अब हम उसी प्रश्न को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। हमें यह प्रश्न दिया था एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो हम सबसे पहले फोर को दाया तरफ ले जाएंगे और वर्गमूल लेने पर हमें यह प्राप्त होता है कि एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू टू और एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू माइनस टू। हमें प्लस टू और माइनस टू ये दोनों प्राप्त क्यों हुए? क्योंकि अगर मैं आपको पूछूं कि टू का वर्ग क्या होगा तो वह फोर होता है, परंतु माइनस टू का वर्ग भी फोर होता है। इसका कारण यह है कि माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल्स टू वन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात इसका यह अर्थ है कि अगर हम यहाँ पर तीन को दाएं तरफ ले जाएं तो हमें यह प्राप्त होता है कि एक्स माइनस वन के बराबर है, और अगर यहाँ पे हम थ्री को दाएं तरफ ले जाएं तो एक्स माइनस वाई के बराबर आता है। अगर आपको याद है तो हमें यही मूल प्राप्त हुए थे जब हमने गुणनखंडन द्वारा यह द्विघात समीकरण का हल ढूंढा था। तो आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वास्तव में हम किसी भी द्विघात समीकरण को एक्स प्लस ए द होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो के रूप में लिख सकते हैं, और फिर हमें बस इतना ही करना है कि हमें वर्गमूल लेना चाहिए, और वर्गमूल लेते ही हमें एक्स के हल निकल आते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इस चीज को कैसे समझा जा सकता है कि हम दिए हुए किसी भी द्विघात समीकरण को इस रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब हम यह समझते हैं कि दिए गए कोई एक द्विघात समीकरण को हम एक पूर्ण वर्ग में कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले हम यह मानते हैं कि चलिए सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इक्वल टू जीरो। इसमें हम यह मानते हैं कि जो बायां पक्ष है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, ये दिए गए एक आयत का क्षेत्रफल है। तो अब हम इस क्षेत्रफल को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले एक वर्ग बनाइए जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक्स है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? एक्स स्क्वायर, वह यह नीला वर्ग है। और अब हम इस वर्ग के साथ एक आयत को जोड़ देंगे
जिसकी लंबाई x और चौड़ाई 4 है। तो इस हरे आयत का क्षेत्रफल 4x होगा। तो इन दोनों को जोड़ के हमें जो यह आयत प्राप्त हुआ है, इसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, क्योंकि इस आयत की लंबाई x है और चौड़ाई x प्लस 4 है। तो अब हम इस आयत का पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, यह समझते हैं। इस आयत का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हम इस हरे आयत को दो समान भागों में विभाजित करेंगे और एक भाग को हम इस नीले वर्ग के नीचे रखेंगे, जैसे यहाँ दिखाया गया है। कि अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर ये जो खाली जगह है यहाँ पर, अगर हमने यह एक 2x2 का एक वर्ग रखा, जो यहाँ पे रखा है, तो हमें एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई x प्लस 2 है। और क्योंकि हमने हम जो क्षेत्रफल हमारे पास है उसमें हमने 2x2 का वर्ग जोड़ा है, तो हमारा क्षेत्रफल जो है वो 4 से बढ़ गया है। इसलिए हम एक वर्ग को, जो 2x2 है, उसे हम घटा भी रहे हैं। तो हम दिए गए प्रश्न को, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 4x को, इस रूप में लिख सकते हैं कि वह दो वर्गों को जोड़ने से प्राप्त हुआ क्षेत्रफल है, एक जिसकी लंबाई और चौड़ाई x प्लस 2 है और दूसरी 2 और 2 के बराबर है। अभी हमने जो उदाहरण देखा था, उसी उदाहरण को मैंने यहाँ लिख कर समझाया है। हमारे पास प्रश्न था एक्स स्क्वायर प्लस 4x, हमें इस पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना था इसे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, उस हरे आयत को दो समान भागों में विभाजित किया था, तो इसलिए उसकी चौड़ाई जो है वह आधी हो गई थी। तो यहाँ पर भी हमने वही किया, यहाँ पे जो 4x है हम उसे 4/2x प्लस 4/2x के रूप में लिखेंगे। और क्योंकि 4/2 2 के बराबर होता है, इसलिए हमने इसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x लिखा है। तो अब पहले दो पदों में से x को कॉमन लीजिए तो आपको यह प्राप्त होगा, यह बहुपद प्राप्त होता है। अब हम, अगर आपको याद है, तो हमने एक लाल वर्ग जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2 थी, हमने उसे जोड़ा भी था और घटाया भी था। हमने यहाँ पर भी वही किया है। उस लाल वर्ग का जो क्षेत्रफल था वह 4 था, तो हमने 4 को जोड़ा है और घटाया भी है। अब आप यह देख सकते हैं कि इन दो पदों में से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। जब आप 2 को कॉमन लेते हैं तो आपको यह बहुपद प्राप्त होता है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2। यहाँ पे अगर आप x प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो आपको यह बहुपद प्राप्त होता है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 4, जो बराबर है x प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 के। तो इस प्रकार दिए गए एक बहुपद को दो वर्गों के रूप में लिखा है, x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब तक हमने सिर्फ उदाहरण देखे हैं, पर अब हम यह देखेंगे कि अगर आपको कोई भी द्विघात समीकरण दिया हो, जिसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप पूर्ण वर्ग से हल कैसे ढूंढ सकते हैं।
सबसे पहले आप समस्त पदों को ए से भाग दें तो आपको यह समीकरण प्राप्त होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू जीरो। अब हम इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग कैसे बनाया था आप याद कीजिए, हमने एक्स का जो पद था उसे उसको दो से डिवाइड किया था, अर्थात भाग लिया था। फिर हमने उसे इस प्रकार लिखा था, एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर माइनस बी बाई टू ए होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सी बाई ए जो है वो वैसे का वैसा है। हमने इन दो पदों का एलसीएम लिया है और उन्हें एक पद के रूप में लिखा है, और इस पद को हम अगर दाएं तरफ ले जाए तो हमें यह समीकरण प्राप्त होता है। अब वर्गमूल लेने पर हमें यह प्राप्त होता है कि x प्लस बी बाई टू ए इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। पर सबसे पहले आप यह ध्यान रखें कि इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से बड़ा होना चाहिए, क्यों ये हम आगे देखेंगे। अब इस समीकरण को सरल बनाने पर आपको यह प्राप्त होता है कि x जो है उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप इसे याद रखें, आपको प्रश्न हल करने में यह जो फॉर्मूला है यह बहुत काम आएगा। चलिए अब हम एक उदाहरण देखते हैं। हमें एक द्विघात समीकरण 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल्स टू जीरो दिया गया है। हमें इस द्विघात समीकरण के हल उस फॉर्मूले को आजमाकर निकालने हैं। इस द्विघात समीकरण में a 2 के बराबर है, b 1 के और c माइनस 528 के। तो अब हम उस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आपको a, b और c के वैल्यूज यहाँ रखने हैं, क्योंकि b 1 है तो हमने यहाँ माइनस 1 रखा है। ऐसे ही अगर आप हर जगह a, b और c के वैल्यूज रखेंगे तो आपको यह प्राप्त होता है। इसे सरल बनाने पर आपको x जो है वो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4225 डिवाइडेड बाय 4 प्राप्त होता है, और 4225 का वर्गमूल जो है वो 65 होता है। इसलिए हमने x को माइनस 1 प्लस माइनस 65 होल डिवाइड बाय 4 लिखा है। इसको और सरल करने पर आपको यह प्राप्त होता है कि x जो है वो 65 बाय 4 अर्थात 16 हो सकता है, या फिर x माइनस 66 बाय 4 अर्थात माइनस 33 बाय 2 भी हो सकता है। तो आपको यह उदाहरण देख के यह समझा होगा कि गुणन खंडन से यह फॉर्मूला इस्तेमाल करना अधिक आसान है, क्योंकि गुणन खंडन में आपको जो मिडिल टर्म था उसको आपको ऐसे विभाजित करना पड़ता है, पर वो हर हर द्विघात समीकरण में संभव नहीं है। इसलिए ये जो फॉर्मूला है उसे आप कोई भी दिए गए द्विघात समीकरण में उपयोग कर सकते हैं, परंतु बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से बड़ा होना चाहिए। अब हम मूलों की प्रकृति अर्थात अंग्रेजी में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर मैंने वही फॉर्मूला वापस लिखा है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। यह फॉर्मूला अत्यधिक महत्वपूर्ण है और आप इस फॉर्मूला को जरूर याद रखें। इस फॉर्मूला को देखकर आपको यह समझ ही गया होगा कि
कि मूलों की प्रकृति अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को द्विघात समीकरण का विविक्त कर अर्थात अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि विविक्त कर पर हमारे मूल कैसे निर्भर है। जब विविक्त कर शून्य से बड़ा है तो हमें दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। जब विविक्त कर शून्य के बराबर है तो हमें दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, और जब विविक्त कर शून्य से छोटा है तो हमें कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होते। चलिए अब हम नेचर ऑफ रूट्स पर एक उदाहरण देखते हैं। आपको द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x+3 इक्वल्स टू 0 दिया गया है, और आपको इसका विविक्त कर ज्ञात करना है और उसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप ए बी सी के वैल्यूज लिखेंगे। यह ए 2 के बराबर, बी माइनस 4 के बराबर और सी 3 के बराबर है। जो विविक्त कर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हम ए बी और सी के वैल्यूज लिखेंगे। बी माइनस 4 के बराबर है, ए और सी 2 और 3 के बराबर है। इसलिए विविक्त कर जो है वह माइनस 4² माइनस 4 × 2 × 3 के बराबर है, जो हमें -8 प्राप्त होता है। क्योंकि -8 शून्य से छोटा है इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। इससे आपको यह समझ में आता है कि अगर प्रश्न इस प्रकार होता कि आपको इस समीकरण द्विघात समीकरण के हल ढूंढने हैं तो आपको कोई भी मूल नहीं प्राप्त होते। इसलिए सबसे पहले आपको एक दिए गए द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करना चाहिए, और अगर वो शून्य के बराबर है या शून्य से बड़ा है तभी मूल ढूंढने का प्रयास करना चाहिए।